pressure of the gases. The pressure of gas. Let's suppose कि आपके पास एक कंटेनर है. इस कंटेनर के अंदर गैस के जो एटम्स है, लातादाद एटम्स है. आप जानते हैं कि गैस जो है वो डायटोमिक भी हो सकती है, ट्रायटोमिक भी और मोनाटोमिक भी. आप कंसीडर कर लीजिए कि इस टाइम इस कंटेनर के अंदर जो गैस हमने फिल की है वो मोनाटोमिक है, मतलब ये कि वो एटम्स की फॉर्म में है. इस तरीके से इसके अंदर लातादाद जो है एटम्स मौजूद हैं इस कंटेनर के अंदर, और ये सारे के सारे एटम जो हैं ये इस कंटेनर की वॉल के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर या कोई ना कोई दबाव एग्जर्ट कर रहे हैं. हमें ये प्रेशर पता करना है कि गैस के जो एटम्स हैं ये इस कंटेनर के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. अगर हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल जाएगा कि गैस के एटम्स कितना प्रेशर लगा रहे हैं, तो हम इसे इस एक्सपेरिमेंट से जो है वो थोरेटिकली भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि गैसेस का प्रेशर कितना होता है. यहाँ पर गैस के लातादाद एटम्स हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही एटम की मोशन को कंसिडर करें इस तरीके से कि सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर अब सिर्फ ये एक हमारे पास कंटेनर है इस तरीके से, और इस कंटेनर के अंदर अब सिर्फ हम लोगों ने गैस का एक एटम ही रखा है ताकि हम उसकी मोशन को देख सकें, उसके लगने वाले प्रेशर को देख सकें. लेट्स सपोज कि ये हमारा वो एटम है जो यहाँ से यहाँ पर आकर हिट करता है, और ये भी एक चीज़ है कि हमारे ये वाली डायमेंशन, क्योंकि ये वाला जो हमारा कंटेनर है वो थ्री डायमेंशनल है, तो इसे हम इस तरह से बता सकते हैं कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये हमारी वाई होगी, ये हमारी चीज़ एक्स है, और ये वाली चीज़ जो है ये वाली चीज़ ये हमारी जेड एक्सिस है. हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, बल्कि इसे इस तरह से कहना चाहिए यहाँ से थोड़ा इस तरह से, ये चीज़ हमारी जेड एक्स होगी ना, ये वाली चीज़ एक्स है, ये वाली चीज़ हमारी वाई है, और ये वाली चीज़ हमारी जेड है. मीन्स ये कि तीनों आपस में 90 के एंगल पर होते हैं. इसका मतलब ये है हमारी की जो चीज़ है ये थ्री डायमेंशनल है, क्योंकि देखने में भी नज़र आ रहा है कि हमारा जो कंटेनर है वो थ्री डायमेंशनल है. लेट्स सपोज कि इस एटम का कोई ना कोई मास भी होगा जो कि एम है, और ये किसी ना किसी वेलोसिटी से भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ये वाली डायरेक्शन हमारी एक्स डायरेक्शन है ना, ये एक्स डायरेक्शन में किसी ना किसी वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम है. अगर मैं उसे ये कह दूँ कि इसका मोमेंटम पी है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो एम बी है, तो जाहिर सी बात है जब भी इस वॉल से टकराएगा तो ये रिबाउंस भी तो होगा, ये वापस पलट कर भी जाएगा. तो जब ये वापस जाता है तब भी इसका मास भी वही रहता है और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी सेम रहती है, यानी कि ये इसकी वेलोसिटी और ये इसका मास है. तो अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो एम वी है, लेकिन इस वक्त चूंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका मोमेंटम है तो मुझे यहाँ पर नेगेटिव लिख देना चाहिए. अगर अब मैं इन मोमेंटम का डिफरेंस निकालना चाहूँ, यानी इस तरीके से कि मैं अगर डेल्टा पी फाइंड आउट करती हूँ डेल्टा पी, तो ये मेरे पास पी एफ माइनस पी आई आ जाएगा जो कि माइनस एम वी टाइम्स माइनस एम वी आ जाएगा जो कि इक्वल्स है माइनस टू टाइम एम वी. तो ये मेरे पास डेल्टा पी के लिए एक्सप्रेशन निकल आया. अब अगर मैं इस एटम के लिए, इस गैस के एटम के लिए डिस्टेंस देखूं कि डिस्टेंस कितना इसने ट्रैवल किया है, तो आप देखें कि पहले ये एक्स डायरेक्शन में इस तरफ आया तो इसने एल डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन इसके बाद ये वापस रिबाउंस भी तो हुआ, तो एल प्लस एल जो है इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो तकरीबन टू एल हो जाता है, यानी कि इस तरह से कि पहले इस डायरेक्शन में गया और फिर पलट कर वापस आया, तो जो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसे हम लोग 2L कह देते हैं. और अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करूँ जिसमें s इज इक्वल्स टू वी टी है और वेलोसिटी चूँकि x डायरेक्शन में है तो इसे मुझे वी एक्स कह लेना चाहिए, s मेरे पास 2L है और t मुझे मालूम, अगर मैं करूँ t तो t जो है वो आसानी से मेरे पास 2L डिवाइडेड बाई वी एक्स निकल आता है, ये हमारा टाइम निकल आता है. अब क्वेश्चन ये है कि मैंने टाइम टी क्यों फाइंड आउट किया. मैंने टाइम टी इसलिए फाइंड आउट किया ताकि मैं मोमेंटम और टाइम के रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए इस एटम की वजह से वॉल पर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो फोर्स है फोर्स इनटू डेल्टा टी जो है वो डेल्टा पी के इक्वल है, और अगर मुझे एफ कैलकुलेट करना है
तो मैं डेल्टा पी के नीचे जो है वो डेल्टा टी जाके डिवाइड कर सकती हूँ, तो मेरे पास वो फोर्स आ जाएगी जो उस एटम ने गैस की उस वॉल के ऊपर एग्जर्ट की है। तो इस तरीके से जो मेरा डेल्टा पी है, डेल्टा पी जो मेरा तकरीबन निकला था वो -2mv है, और जो मेरा टी है वो निकला था 2L डिवाइडेड बाय Vx। और ये वाली जो वेलोसिटी है हमारी मोमेंटम के लिए, इस वेलोसिटी को भी हमें Vx लिख लेना चाहिए, क्योंकि जो एटम की डायरेक्शन या एटम की मोमेंट थी वो x डायरेक्शन के अलोंग थी, x जो है वो x एक्सिस के अलोंग थी, इसलिए हमें इसे Vx कह देना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है कि ये वाला जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला हमारा जो है Vx ऊपर चले गया, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो एम वी एक्स के डिवाइडेड बाई एल आ जाता है, और ये नेगेटिव साइन साथ ऐसे ही, तो इसका मतलब है ये वो फोर्स आ गई हमारे पास जो उस एटम ने उस कंटेनर की वॉल के ऊपर एग्जर्ट की है। अब अगर हम उस गैस के एटम का प्रेशर कैलकुलेट करें कि उसने कितना प्रेशर लगाया है, तो उसे हम इस तरीके से बता सकते हैं कि हमें मालूम है कि जो प्रेशर है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स टाइम पर यूनिट एरिया। फोर्स तो हमें यहाँ से मिल जाएगी, फिर K.E and Speed कह देते हैं, और जो एरिया है वो एरिया ये आएगा कि इसकी जो लेंथ इनटू विड्थ यानी कि एल स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ये एक्सप्रेशन रख दूँ कि फोर्स जो है वो हमारी एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल है, ये मजीद डिवाइड हो जाए हमारे एल स्क्वायर से, चूँकि एल स्क्वायर जो है वो हमारा एरिया है, तो इस तरह से हमारा जो प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर हमारे पास एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यूब आ जाएगा। अब एल क्यूब, चूंकि हम लोगों ने एल स्केयर इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में हम लोगों ने लेंथ को कंसीडर कर लिया, इस तरफ भी लेंथ को और इस तरफ भी लेंथ को कंसीडर कर लिया, और एरिया को हमने एल स्केयर कर लिया, तो जब एल इंटू एल यानी कि विड्थ इंटू लेंथ इंटू हाइट आ जाए तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाती है। तो इसका मतलब है कि मैं प्रेशर को इस तरह से लिख सकती हूँ कि जो प्रेशर है वो हमारे पास एम वी एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम के इक्वल है। अब तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारा जो एटम है वो इस कंटेनर के अंदर, जैसे कि ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये, या तो हमारा जो एटम है वो इस तरह से मूव करेगा कि वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग यानी एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट शो करे, या वो जो हमारा एटम है वो हमारा वाई एक्सिस के अलोंग मोशन शो कर सकता है, या तीसरी चॉइस उसके पास ये है कि वो जेड एक्सिस के अलोंग मूवमेंट शुरू कर दे। तो इसका मतलब है कि इसकी सिर्फ तीन डायरेक्शन में ही मोशन हो सकती है, या तीन डायरेक्शन में ही इसकी मूवमेंट हो सकती है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी इस तरह से लिखूँ कि जो वेलोसिटी है या तो वो वी एक्स हो सकती है, या वी वाई हो सकती है, या वी जेड, और ये तीनों की तीनों जो वेलोसिटी है वो आपस में इक्वल होती है। तो लेट्स सपोज कि कोई एक एटम ऐसा है, बाज एटम जैसे भी होते हैं, चूँकि एटम जो है वो इस कंटेनर के अंदर रेंडमली मूव कर रहे हैं, कुछ एटम जैसे भी होंगे जो तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, तो उसका मतलब है कि वो जो वेलोसिटी पोज करते हैं वो वी एक्स भी हो सकती है, वी वाई भी और वी जेड भी। अगर मैं इनकी स्केयरिंग कर लूँ तो मैं कह सकती हूँ कि वी स्केयर जो है वो वी एक्स के स्केयर प्लस वी वाई के स्केयर प्लस वी जेड के स्केयर के इक्वल है। और दूसरी बात हमने ये भी कही है कि तीनों की तीनों वेलोसिटीज आपस में इक्वल है। अगर ये तीनों वेलोसिटी आपस में इक्वल है और ये वी के इक्वल है, तो मुझे यहाँ पर लिख देना चाहिए कि वी स्केयर जो है इसे वी डैश कह देना चाहिए कि वो वी डैश स्केयर के इक्वल आ जाएंगी। यानी कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर कोई एटम ऐसा है कि वो तीनों डायरेक्शन में मोशन शो करता है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग, वाई के अलोंग या जेड के अलोंग जो है वो तीनों डायरेक्शन में इक्वल होगी। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि ये अब हमारे पास 3v डैश स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। और अगर मुझे सिर्फ मुझे यहाँ पर इसे वी डैश नहीं कहना चाहिए था, बल्कि इसे सिंपल इसी तरह रखना चाहिए इस तरीके से। तो ये जो है अब हमारी जो वेलोसिटी है ये हमारी न्यू वेलोसिटी होगी, कि हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो 3v स्क्वायर के इक्वल आ जाती है, यानी कि तीनों डायमेंशन में एटम के मोशन के लिए जो वेलोसिटी होगी वो 3v स्क्वायर होगी। तो अगर ये चीज़ को मैं यहाँ पर पुट कर लूँ तो मेरे पास जो प्रेशर का एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर पहले किया था कि V डैश यानी कि एक सेकेंड हमें इस तरह से करना चाहिए,
इसे इस तरह से बताना चाहिए कि अब जो हमारी नई वेलोसिटी है यानी कि वी स्क्वायर, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इस तरह से कर लेना चाहिए कि अब ये जो वी स्क्वायर है ये पुरानी वेलोसिटी के 1/3 वी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। इस तरीके से ये वेलोसिटी उसकी इक्वल आ जाएगी। तो अब ये वी स्क्वायर की वेलोसिटी यानी कि इसे कह देती हूँ वी एक्स है। ये चीज़ जो है ये हमारी वी एक्स है, ये वाली चीज़ है वी एक्स है, ये वी एक्स है क्योंकि ये भी वी एक्स के इक्वल है, ये भी वी एक्स के इक्वल है और ये भी वी एक्स के इक्वल है। इस सारी की सारी वेलोसिटीज आपस में जो है वो वी एक्स के इक्वल है। तो अगर मुझे वी एक्स के लिए एक्सप्रेशन निकालना है तो मैं मुझे यहाँ पर 1/3 वी एक्स, ये सारी की सारी वेलोसिटी यानी कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो भी वी एक्स है, वाई के अलोंग वी वाई और जेड के अलोंग वी जेड है। ये सारी की सारी वेलोसिटी जो है वो वी एक्स की इक्वल हो सकती है यानी कि उतनी ही वेलोसिटी हो सकती है जितनी कि एक्स डायरेक्शन में है। यानी कि अगर किसी एटम की जो है वो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है और अगर किसी की वाई के अलोंग है तो इन दोनों की वेलोसिटीज बराबर हैं जो कि वी एक्स के इक्वल है। तो इस तरह से ये जो सारी की सारी वेलोसिटी है ये वी एक्स के इक्वल है जो सिंपली वी स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर मुझे वी एक्स का एक्सप्रेशन निकालना हो, यहाँ पर वी एक्स लिखना चाहिए था, वी एक्स का एक्सप्रेशन निकालना हो तो ये 1/3 वी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब इस चीज़ को इक्वेशन बी को अगर मैं इस इक्वेशन ए में पुट कर लूँ तो मेरे पास प्रेशर के लिए जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो इस तरह से आएगा कि पी इज इक्वल टू माइनस एम वी, यहाँ पर हमारे पास वी एक्स का स्क्वायर था और यहाँ पर वॉल्यूम। अब इस v की जगह यहाँ पर m v इस तरह से वी एक्स की जगह यहाँ पर अब 1/3 वी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो प्रश्न के लिए जो है एक्सप्रेशन निकल आएगा। अब ये हमारे पास अगर हम नेगेटिव साइन को जो है वो इग्नोर करें, इसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं नेगेटिव साइन को, तो हमारे पास जो प्रेशर है उसके लिए एक्सप्रेशन m डिवाइडेड बाई v 1/3 यहाँ पर वी स्क्वायर। और आपको मालूम है कि जो डेंसिटी है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं इस जगह पर जो है डेंसिटी उसका एक्सप्रेशन लगा लूँ तो हमारे पास जो प्रेशर है वो पी इज इक्वल टू डेंसिटी 1/3 एम वी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे इस तरह से लिखा जा सकता है कि प्रेशर जो है वो 1/3 रो वी स्क्वायर है। तो ये हमारा फर्स्ट फाइनल एक्सप्रेशन निकला है जिससे हम जो है वो प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस के एटम्स के लिए, उसके मॉलिक्यूल्स के लिए, उस कंटेनर की वॉल्स पे लगने वाला जो प्रेशर है वो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी गैस के एटम ने, उसके मॉलिक्यूल ने किसी गैस के कंटेनर के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट किया है। अगर हमें उसकी वेलोसिटी पता चल जाए और उसकी डेंसिटी मालूम चल जाए तो हम उसके लिए प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक पहला एक्सप्रेशन था। इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि जैसे हमने बताया था सेकेंड एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि हमें मालूम था कि जो हमारा प्रेशर है वो बराबर है हमारा माइनस एम बी यहाँ पर 1/3, माइनस साइन को इग्नोर कर दिया जाए, अगर अगर हम लोग माइनस साइन को इग्नोर भी करते हैं कम्प्लीटली तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा 1/3 एम बी स्क्वायर। इस तरह से ये जो है हमारे पास ये एक्सप्रेशन था एम बाई वी एम बाई जो है वॉल्यूम इंटू 1/3 एम बी स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था। अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं कि वेलोसिटी को टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम की टोटल नंबर ऑफ एटम्स की वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करूं, यानी कि इस तरह 1/3 ये एम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम और यहाँ पर एन वी स्क्वायर कर लूँ यानी कि सारे के सारे एटम्स की वेलोसिटी, या इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि ये 1/3 एन एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम यानी कि सारे के सारे एटम्स के मैसेस और उसकी जो वॉल्यूम है उनका प्रोडक्ट। एंड इसीलिए रिप्रेजेंट किया जाता है ना कि एक की बजाय सारे के सारे एटम्स या सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। अब अगर इसे इस तरह से लिख लिया जाए कि पी इज इक्वल टू 1/3 इसी तरह से, और अगर आपको मालूम है कि किसी एक इक्वेशन में आप किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई करें और उसी चीज़ से अगर आप डिवाइड भी करें तब आपकी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही काम हम यहाँ पर भी करते हैं। लेकिन उस काम को करने से पहले थोड़ी सी एडिशन इस तरह से कर लेते हैं, एडिशन ही बल्कि रीअरेंजमेंट इस तरह से कर लेते हैं कि एन डिवाइड बाई वॉल्यूम एक साइड पर कर लेते हैं और एम इंटू वी स्क्वायर एक साइड पर कर लेते हैं। अब अगर इस तरह से किया जाए कि मैं इस इक्वेशन की जो राइट साइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और 2 से इस तरह से डिवाइड भी कर दूं,
तो आप देखें ये वाली जो चीज़ है ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा प्रेशर है वो 2/3 एन ओवर वी इंटू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाता है। ये हमारे पास जो है ये सेकेंड एक्सप्रेशन आ जाता है गैस के एटम्स या उसके मॉलिक्यूल्स के लिए, ये पता लगाने के लिए कि वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, यानी कि गैस के प्रेशर के लिए ये सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है कि हम किस तरह से गैस का लगने वाला प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे आप मज़ीद आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अब आप इस तरह से कह लीजिए कि प्रेशर जो है उसे 2/3 एन ओवर वी इंटू काइनेटिक एनर्जी है। अब इस चीज़ की जगह इस वाली चीज़ की जगह एन ओवर वी की जगह यानी कि नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया को हम लोग एन ओ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर आ जाएगा वो 2/3 एन ओ इंटू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अगर इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं कांस्टेंट लेट कर लूँ, ये सपोज कर लूँ कि ये चीज़ कांस्टेंट है, तो हमें मालूम है कि हमारा जो प्रेशर है वो डायरेक्टली रिलेटेड आ जाएगा हमारी काइनेटिक एनर्जी से। इस तरह से ये हमारे पास तीसरा एक्सप्रेशन निकल आएगा ये बताने के लिए कि किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एटम्स की मोशन की वजह से ही होती है। मींस कि अगर एटम मोशन कर रहे हैं तो ही वो काइनेटिक एनर्जी फोर्स करेंगे, और उनकी मोशन की वजह से वो रैंडमली मूव कर रहे हैं और उनके मूवमेंट की वजह से जो है वो गैस के जो है गैस का कंटेनर है उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल, जो भी हम लोगों ने गैस ली है, डाइएटोमिक, ट्राइएटोमिक या मोनोटोमिक, जो भी हम लोगों ने गैसेस ली हैं उसके हिसाब से। यानी कि अब हमारे पास तीन एक्सप्रेशन हो गए। अगर तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मालूम हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होगी हमारे प्रेशर से, ये पहला एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन ये है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है और काइनेटिक एनर्जी भी है तो इस तरीके से भी हम प्रेशर निकाल सकते हैं, ये वाला भी एक हमारा एक्सप्रेशन निकल आया। और अगर हमारे पास डेंसिटी है और एटम्स या मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है तो इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए भी हम गैसेस के लिए प्रेशर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि गैसेस ने कितना प्रेशर एग्जर्ट किया है या गैसेस का जो प्रेशर है वो किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो ये गैसेस के बारे में था कि गैसेस किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट करती हैं और इनका प्रेशर किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है।